मेरी बुक के मुताबिक पेज नंबर 126 है, आपका शायद 109 होगा। मुख्तसर तारीख इल्मुल कलाम का सब्जेक्ट है, ये हेडिंग है। चलें बुक निकाल लें। अब यहाँ मैसेज नहीं करना, अब सिर्फ किताब पर ध्यान देना है। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म कलाम उस इल्म को कहते हैं कि जिसके जरिए से इंसान को ये मलका हासिल हो जाता है कि वो दलाइल कायम करके और जो शकूक व शुभात होते हैं उसको खत्म करके जो दीनी हकायक हैं, जो सीक्रेट्स ऑफ दीन है, उसको साबित करे। और इल्मे कलाम का जो मौजू है वो अल्लाह ताला की जात और सिफात है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें एक अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया हुआ है। सब कुछ उसी ने पैदा किया है और सब कुछ उसी के इल्म और इजाजत से होता है, और आखिरकार हर चीज का अंजाम भी अल्लाह ही की तरफ है। और इसी ईमान की बुनियाद पर हमने आखिरत में अल्लाह के सामने खड़ा होना है और उसका जवाब देना है। अब इल्मे कलाम क्या चीज है? इल्मे कलाम के हवाले से मुख्तलिफ चीजें हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जो हमारे खालिक और माबूद हैं उसकी हकीकत और मार्फत इंसान के पास नहीं है। यानी अल्लाह कहाँ है, अर्श पर कैसे बैठा हुआ है, उसके हाथ हैं तो कैसे हैं, आंखें हैं तो कैसी हैं, ठीक है ना, ये मार्फत। इसलिए कि अल्लाह की जात हमारे अकली इदराक और हमारे मादी इल्म जराए की हकीकत की रसाई से बहुत बुलंद है। यानी हमारा हमारी अकल और हमारा जो इल्म है, मादी इल्म जिसे हम दुनियावी इल्म कहते हैं, इसके जरिए से अल्लाह तक पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए हमें इस अकीदे का पाबंद किया गया है कि अल्लाह की जात मखलूक की किसी भी जात के मुशाबे नहीं है। जैसे आम इंसानों के हाथ हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि यदुल्लाह अईदीहिम, जो अल्लाह ने कुरान में कहा कि अल्लाह के हाथ, तो अल्लाह के हाथ से मुराद भी इसी तरह के हाथ होंगे या इससे मिलते जुलते होंगे। नहीं, अल्लाह इन चीजों से पाक है। अगर हम इस बात को मान लेंगे कि मखलूक के साथ हाथों की मुशाबत या इसी तरह का हाथ हो सकता है, तो फिर उसका नुकसान यह है कि फिर इसका मतलब यह हुआ कि नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला भी मखलूक होगी, फिर खालिक ना रहा, ठीक है ना, फिर इन दोनों में फर्क नहीं रहेगा। इसलिए हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला की जात हर किस्म के आयब और नुक्स से पाक है, और तन्हा उसी ने इस कायनात को पैदा किया है, कोई उसका इसमें शरीक नहीं है। देखिए ना, अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया कि अगर दो इलाह होते, एक से ज्यादा होते, दो होते, तीन होते, तो वो तो आपस में लड़ पड़ते, टकराते रहते। ये एक ही अल्लाह है जो अजल से लेके अब तक है, जो खालक भी है, आलिम भी है और कादिर भी है, और सब कुछ उसने एक मंसूबे के तहत एक मुनज्जम अंदाज में बनाया है। जो चीज नहीं थी, अदम थी, यानी अदम का मतलब थी नहीं सिरे से, उसको वजूद में लाने वाली वही जात है।
और ये भी हमारा अकीदा है कि हमारी मौत के बाद अल्लाह ताला हमें उठाएगा और जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है उस मकसद के हवाले से हमसे सवाल किया जाएगा। इसी तरह दूसरा ईमान है ईमान बिर्रुसुल, कि अल्लाह ताला को एक और ये सब कुछ मानने के बाद ये अकीदा कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे अंबिया को मबऊस फरमाया है और अंबिया का काम ये था कि वो जब भी किसी कौम की तरफ आते थे तो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते थे कि लोगों नेकियां करो, अल्लाह की तरफ पलटो, गुनाहों से बचो। और इसी सिलसिले की कड़ी आदम अलैहिस्सलाम से अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला खत्म हो जाता है। लिहाजा ये वो बुनियादी अकायद हैं जो अकली दलायल से मुशीद हैं और इनसे मुतल्लक कुरान और सुन्नत के अंदर बेशुमार दलायल मौजूद हैं और हमारे बुजुर्गों ने इन दलायल को सामने रखते हुए मुतकद्दमीन ने इस पे काम किया और लोगों की रहनुमाई की। फिर आगे चलकर जैसे मैंने कल भी कहा कि सहाबा के दौर में तो जरूरत नहीं थी दीन को समझने की, आहिस्ता आहिस्ता नजरियात में और अकैद की तफसीलात में इख्तिलाफ हो गया। इन इख्तिलाफ की ज्यादा वजह मुश्तबे आयात थी। अब ये इख्तिलाफ लोगों को मुबैसे और मुनाजरे तक ले आया और ये बात मनकूलात से आगे निकलकर अकली इस्तेदलाल की तरफ चली गई और इस इल्मे कलाम की बुनियाद यहीं से हो जाती है। यानी इल्मे कलाम का मतलब ये हुआ कि बुनियादी तौर पर वो अकली दलायल के इल्म को इल्मे कलाम कहते हैं। नकली दलायल या मनकूलात से मुराद ये होता है कि जो अहकाम या जो दलायल कुरान और सुन्नत में है और वो नकल होते हुए आ रहे हैं, इसलिए उसको नकली दलायल कहा जाता है। मजहबी एतिकादात की ताबीन में अक्ल व मंतक के इस्तेमाल पर शुरू से ही एतराजात रहे हैं। अलबत्ता 10वीं सदी ईस्वी में जब अबुल हसन अल अशरी ने मोतजिला, ये एक फिरके का नाम है, वो मोतजिला के फलसफियाना और अकली मबाहिस का जवाब खुद उन्हीं की जुबान में देना चाहा तो उन्हें हदफे तनकीद का निशाना बनाया गया। जो रवायत पसंद हल्के थे उन्होंने दीनियाती मसाइल और कलाम का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा था कि जब इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया तो इन्हें हम मौजू बहस क्यों बनाएं? अगर ये लोगों की रहनुमाई के लिए जरूरी होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर रोशनी डालते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इजहार ख्याल नहीं फरमाया, लिहाजा सुन्नत का नबी सल्लम की अतात का तकाजा ये है कि हम उनके बारे में गुफ्तगू से परहेज करें। असल में लोगों का ख्याल ये था कि दीनी मामलात में अक्ल व फिक्र को इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि इंसान गुमराह हो सकता है और ऐसा होता भी है। कई लोग अकली दलायल ढूंढते ढूंढते जो फलसफी होते हैं वो दीन से भी बागी हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जी वो दीन से बागी हो गया, ठीक है ना। ऐसे कई लोग हैं सेकुलर जिसे हम कहते हैं। अलबत्ता आशरीनी इस के जवाब में अपनी किताब रिसाला फी इस्तेसार लहूजी फी इल्म अल-कलाम में तीन तरह की बहसें की हैं। नंबर एक, रवायत पसंदों के एतराज को खुद उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुख्तलिफ मसाइल पर इजहार ख्याल नहीं फरमाया, आपने उन पर गुफ्तगू को ममनू भी तो नहीं करार दिया। वो कहते हैं कि अगर नबी सल्लम ने इस पर बात नहीं की तो मना भी तो नहीं फरमाया ना, तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि इस पर बात की जा सकती है। अच्छा, नंबर दो, वो कहते हैं कि ये ठीक है कि कलाम के मसाइल अपनी तमाम जुजियात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किबार के दौर में मौजूद न थे, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उसके असासी यानी बुनियादी उसूल खुद कुरान और हादीस में मौजूद हैं। और इस पर उन्होंने कई फिर मिसालें भी पेश की। नंबर तीन, ये मसाइल आप सल्लम के अहाते इल्म में मौजूद थे, आपको इल्म था, लेकिन आपने उस पर इजहार ख्याल इसलिए नहीं फरमाया कि ये वाकियातन उस दौर में पैदा नहीं हुए थे, इस पर बात करने की जरूरत पेश नहीं आई थी। अगर ये उस दौर में मसाइल पैदा होते उनकी दलील ये है तो अल्लाह के रसूल जरूर इस पर बात करते। इल्म कलाम को
दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। नंबर एक, वो इल्मे कलाम जो खास तौर पर इस्लामी फिरकों के बाहमी सियासी या एतिकादी नज़ा की बदौलत पैदा हुआ, यानी नज़ा का मतलब इख्तिलाफ। नंबर दो, वो इल्मे कलाम जो फलसफे के मुकाबले के लिए ईजाद हुआ। मुतकद्दिमीन यानी जो पहले वाले लोग हैं उनके यहाँ भी यही दो ही अकसाम ज्यादा मारूफ हैं, लेकिन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह मशहूर फलसफी हैं, उन्होंने फलसफा कलाम में इख्तिलाफ तो वह शरायत की बुनियाद डाली। इमाम राजी ने फिर उसे और आगे बढ़ाया, उसमें तरक्की पैदा की, और फिर बाद में आने वाले लोगों ने इस कदर उस इस बहस को खलत मलत मिक्स कर दिया कि अल्लामा शिबली नौमानी कहते हैं कि फलसफा कलाम उसूल अकायद सब गड़बड़ होकर एक माजून बन गई, जैसे माजून हकीम बनाते हैं ना। अलामा इब्ने खल्दून इस हवाले से लिखते हैं कि शुरू शुरू में इसे फलसफियाना रंग नहीं दिया गया, क्योंकि एक तो फलसफे का लोगों में बहुत कम रवाज हुआ था, और जितना ज्यादा रवाज हुआ उसे भी मुतकल्लिमीन इसलिए परहेज करते थे कि वो उसे अकायदे शरीयत के खिलाफ समझते थे। फिर मंतकी दलायल से काम लिया जाने लगा और नए नए दलायल पेश किए जाने लगे। यही जदीद तरीका था जो मुताखिरीन का तरीका कहलाया, मुताखिरीन का मतलब बाद में आने वाले स्कॉलर्स, और जिसमें नए कवायद और दलायल लाए गए, अगरचे उसमें भी जगह जगह फलासफा के ख्यालात की तरदीद की गई, यानी उन्हें रिजेक्ट किया गया। इहतमाम मुताखिरीन ने इल्म कलाम को इस रंग में ढाल दिया कि कलाम और फलसफा में तमीज करना ही मुश्किल हो गई, यानी इल्म कलाम और फलसफे में, और वो बाहम मिल जुल कर गोया एक ही चीज नजर आने लगी। अब यह है कि इल्म कलाम की नशोनुमा और इर्तका के असबाब, ये इल्म कैसे फिर आगे बढ़ा। अहमद अमीन जहुल इस्लाम में लिखते हैं कि इल्म कलाम की नशोनुमा और इर्तका के असबाब में कुछ दाखिली थे और कुछ खारजी असबाब थे जो खुद इस्लाम और मुसलमानों की तबीयत का तकाजा थे। मसलन नंबर एक, कुरान हकीम का ये उसलूब कि उसने ना सिर्फ ये के तौहीद और नबूवत की दावत दी बल्कि अहम अदियान आलम और अकवाम के अकायद और नजरियात से बहस भी की और उनके गलत अकायद का रद्द किया। नंबर दो, फतुहात से फरागत के बाद मुसलमान दीनी बहस और मुबासा की तरफ मुतवज्जे होने लगे, फलसफे की तरफ भी मिलान हुआ यानी रुख हुआ, और दीनी जहूर इख्तिलाफ जहूर में आया, यानी दीनी इख्तिलाफ जाहिर हुआ। नंबर तीन, खारजी असबाब अजनबी सकाफतों और गैर इस्लामी अकायद और नजरियात की बदौलत पैदा हुए। उनमें से अहम सबब यह था कि मुख्तलिफ अदियान के मानने वालों का रद्द फलसफियाना नुक्ता नजर दलायल के साथ किया जाएगा। असल बात यह है कि इस्लाम जब तक तो अरब के अंदर रहा तो अकैद के बारे में कुछ ज्यादा बारीकियां, कोई शक व शुबा, छान बेन और इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह थी कि अरबों का ये मिजाज ही नहीं था कि वो नए नए चीजें आइडियाज सामने लाए, बल्कि बस वो अमल करते थे जो चीज आ गई, बस मसलन अमली तौर पर नमाज, रोजा, जक़ात, हज, बस जो आ गया बस उन्होंने उस पर अमल करना है। ये बाद में जब इस्लाम इधर उधर फैला और मुख्तलिफ मुल्कों में वहां पे कुछ फलसफी और इल्म कलाम वाले उन्होंने इस पर बहस की। अब यह था कि उसूल दीन में इख्तलाफ के असबाब फिर क्या थे। अलामा शहरस्तानी ने इख्तिलाफ के मुख्तलिफ असबाब बताए हैं, अलबत्त इस्लामी फिरकों के मबैन चार चीजें थी। नंबर एक, सिफात इलाही का साबित करना। नंबर दो, जबर व कदर की हकीकत। नंबर तीन, अकैद व अमाल की हैसियत क्या है। नंबर चार, अकल और नकल का इख्तिलाफ। अब पहला इख्तिलाफ सिफात इलाही वाला, पहला इख्तलाफ इस तरह पैदा हुआ कि खुदा के मुतल्लक कुरान मजीद में जो अल्फाज इस किस्म के मजकूर हैं जो जिस्मानियात के लिए मखसूस हैं, मसलन अल्लाह का अर्श पर मुतमक्किन होना, बैठना, क्यामत के दिन फरिश्तों के झुमट में आना वगैरह, इसके हकीकी माना लिए जाएं या मजाजी, यानी एक हकीकी माना होता है, एक उसका मजाजी माना होता है। इस सवाल ने दो मुख्तलिफ फिरके पैदा कर दिए। पहली चीज के मानने वाले वो अशारिया हैं, वो कहते हैं कि वो फिर आगे बढ़े मुजस्मा से मुश्तबा तक आ गए जो खुदा के हाथ पांव तक मानते हैं, और दूसरे मोतजिला हैं, दूसरा अकीदा, जो इन सिफात के मुनकरीन हैं, वो सिरे से इसको मानते ही नहीं है। नंबर दो, दूसरा इख्तलाफ ये था कि इंसान के अफाल, इंसान जो काम करता है
अगर ज्यादा गौर से देखा जाए तो मालूम होता है कि एक चीज भी हमारे बस में नहीं है, यहाँ तक कि हमारा इरादा और ख्वाहिश भी इख्तियार में नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम अपने अफाल में मजबूर हैं, यानी इंसान जो भी करता है, अच्छा करता है बुरा करता है, वो उसकी किस्मत में लिख दिया गया है। वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ने इंसान की किस्मत में पहले से ही लिख दिया है कि इसने नेकी करनी है, इसने ये गुनाह करना है, तो फिर इसका मतलब है कि इंसान तो अमल करने पर मजबूर है कि उसने वो नेकी करनी ही करनी है, गुनाह करना ही करना है। ठीक है ना। ये तीसरा इख्तिलाफ इस वजह से था, वो कहते थे कि ईमान की हकीकत में ईमान भी दाखिल, आमाल भी दाखिल हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर हदीसों में हया वगैरह की निस्बत ये अल्फाज हैं कि अन्नहु मिनल ईमान। इसलिए मुहद्दिसीन ने समझा कि ईमान की हकीकत में आमाल में दाखिल है, लेकिन अहले नजर ने, जिनमें इमाम अबू हनीफा सबसे आगे थे, उससे इख्तिलाफ किया और एतिकाद और अमल में फर्क रखा। चौथा इख्तिलाफ, चौथा इख्तिलाफ दर हकीकत एक ऐसा इख्तिलाफ है जो हकीकी इख्तिलाफ कहा जा सकता है, और जहां अरबाब जाहिर और अहले नजर की हदें बिल्कुल अलग अलग हैं। अब इस बिना पे जो इख्तिलाफ हुआ अशारिया में और मोतजिला में वो ये है, अशरिया कहते हैं कि कोई शय फी नफ्सी ही, यानी अपनी जात के एतवार से अच्छी या बुरी नहीं है। शारे जिस चीज को अच्छी कह देता है यानी अल्लाह, वो अच्छी हो जाती है, जिसको वो बुरा कह देता है बुरी हो जाती है। नंबर दो, खुदा महालात का हुक्म देता है और दे सकता है। नंबर तीन, अल्लाह को आदल और इंसाफ करना जरूरी नहीं है। नंबर चार, अल्लाह इबादत के बदले में अजाब दे सकता है और गुनाह के बदले में इनाम, अगर वो ऐसा करेगा तो ना इंसाफी नहीं है, ये उसका इख्तियार है, वो कहते हैं। मोतजिला क्या कहते हैं? मोतजिला कहते हैं कि हर शय पहले से अच्छी या बुरी है, शारे उस चीज को अच्छी कहता है जो फी नफ्स ही अच्छी थी, और उसी चीज को बुरी कहता है जो पहले से बुरी थी, यानी वो उलट कहते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि खुदा किसी महाल चीज का हुक्म नहीं दे सकता, महाल से मुराद मुश्किल काम का। नंबर तीन, वो कहते हैं कि खुदा, वो जो कहते थे ना अशरिया, इंसाफ करना अल्लाह के लिए जरूरी नहीं है, ये कहते हैं जरूरी है। चौथा, वो कहते थे कि अल्लाह इबादत के बदले अजाब दे सकता है और गुनाह के बदले जन्नत दे सकता है, तो ये मोतजिला कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो जुल्म और नाइंसाफी है। जो अच्छा काम करेगा उसे अच्छा बदला मिलेगा, जो बुरा काम करेगा उसे बुरा बदला मिलेगा। आम तौर पर यह बात मशहूर है कि मुतकल्लिमीन सब के सब अकल की फौकियत के कायल थे, यानी वो कहते थे अकल सबसे पहले है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाज जरूर ऐसे थे, मसलन मोतजिला के बाज ग्रोह, लेकिन फिर जुमला उलमाए कलाम कुरान सुन्नत को अव्वल हैसियत देकर कायद का साबित होना अकली दलीलों से करते थे। कलाम के ये जो मसले हैं ना, ये तो सियासी इख्तिलाफ से पैदा हुए और कुछ कुरान मजीद की आयात, यानी जो मुश्तबे आयात हैं जिनमें पढ़कर इंसान को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, फिर ऐसा ऐसा ही आगे बढ़ता गया। अब यह है कि इल्मे कलाम के अहम मसालिक कुछ हैं, जैसे हमने फिकह के मसालिक पढ़े, उनमें नंबर एक अशाइरा, ये मकतबा फिक्र जिसे अशाइरिया हम कहते हैं, इसके बानी हैं अबुल हसन अली बिन इस्माइल अल अशारी, और चौथी सदी हिजरी से लेकर अब तक इल्मुल कलाम का सबसे बड़ा और मशहूर तरीन जो स्कूल ऑफ थॉट है वो यही अशाइरा का है। अशाइरा भी कहते हैं और अशाइरिया भी कहते हैं। अच्छा, इस मकतबे फिक्र के बानी इमाम अशरी ये बहुत बड़े मुसन्निफ थे। बाद रिवायात के मुताबिक इनकी किताबें जो इन्होंने लिखी हैं वो सैकड़ों तक हैं, और ज्यादा मशहूर हुई इसलिए इनके पैरोकार भी ज्यादा हो गए। शवाफे में यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के स्कूल ऑफ थॉट में से जो मशहूर तरीन अशारी उलमा है वो ये हैं: अबू सहल अस्सालूकी, अबू बकर कफाल, अबू जैद मरवजी, जाहिर बिन अहमद हाफिज, अबू बकर जरहानी, शेख अबू मोहम्मद तबरी, अबू अबैदुल्ला ताई, अल हसन बाहरी, बिन दार बिन हसन सूफी। ये लोग खुद तो मशहूर नहीं थे,
लेकिन इनके शागिर्द मसलन अबू बकर बाखिलानी, अबू सिहाक सफरानी, अबू बकर बिन फौक फौरक और फिर इनके शागिर्द इमाम उल हरमैन वगैरह इनसे भी ज्यादा मशहूर हो गए। अगरचे इब्तदा में इमाम गजाली ने भी अशअरी मकतब फिक्र की हमायत की, लेकिन बाद में वो किसी खास मकतब के मुकल्लिद ना रहे बल्कि इनसे फिर अलग हो गए और उन्होंने कहा कि ये कोई ज्यादा फर्क नहीं है हमारा और उनके दरमियान। अच्छा, इल्मे कलाम में एक तरफ मोताजिला का ग्रोह है जो दूसरी तरफ हशूरिया मुजस्मा मुशब्बा जैसी सिफात के हवाले से अल्लाह ताला की ज़ात की नफी करते हैं और उनको इंसानों के ममासल करार देते हैं। अब ये जो अशाइरा है इनके अकायद क्या हैं? इमाम गजाली ने अहयाल उलूम में, ये उनकी मशहूर किताब है, अशारा के जिन अकायद का जिक्र किया है वो दर्ज ज़ैल है। अशाइरा जिनका भी आपने स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा है जिनके बारे में, वो कहते हैं कि अशाइरा कहते हैं कि अल्लाह ताला की जात के बारे में उनका कीदा यह है कि खुदा मौजूद है, एक है, कदीम है, जौहर नहीं है, जिसम नहीं है, अर्ज नहीं है, किसी जहत के साथ मखसूस नहीं है, किसी मकान में नहीं है, वो नजर आ सकता है, हमेशा रहेगा। यानी कदीम है से मुराद हमेशा से है, जिसम नहीं है यानी इंसानों की तरह उसका जिसम नहीं है, अर्ज नहीं है यानी उसकी चौड़ाई नहीं है, किसी तरफ उसका चेहरा किस तरफ है ये कोई मखसूस नहीं है, किस जगह पर है ये भी नहीं है, वो नजर आ सकता है और हमेशा रहेगा। नंबर दो, वो कहते हैं कि अल्लाह की सिफात यह है कि वो जिंदा है, आलिम है, कादिर है, साहिब इरादा है, सुनता है, देखता है, बोलता है, हवादिस का महल नहीं है। यानी ये नहीं है कि हादसात के नतीजे में अल्लाह ही खत्म हो गया, और उसका कलाम भी बड़ा कदीम है। अफाल इलाही के बारे में वो कहते हैं कि बंदों के अफाल का खालिक खुदा है, बंदे अपने अफाल के मुक्तसिब हैं, खुदा ने उन अफाल का होना चाहा, खुदा ने जो खल को इख्तिरा किया यह उसका एहसान है, खुदा को जायज है कि तकलीफ माल आयुताक दे, खुदा को जायज है कि वो बेगुनाह को अजाब दे, खुदा पर मसलहत की पाबंदी नहीं, वाजिब वही जुज है और शरा की रिवायत से है। समयात, सुनी हुई चीजों के बारे में उनका उसूल यह है कि कयामत, मुनकर नकीर, कब्र का अजाब, मिजान, पुल सिरात, बिशत, दोजख का वजूद, अहकाम इमामत, साबा की फजीलत, बतरतीब खिलाफत, इमाम की शरायत, इमाम मशरूत मौजूद ना हो तो सुल्तान वक्त के अहकाम, रोते बारी ताला का मोतजिला ने इनकार किया है और पुरानी आयात की तावील की, जबकि मुशब्बा ने कहा कि अल्लाह को महदूद मुकैफ हालत में देखा जा सकेगा। अब दूसरा बड़ा अकीदा है इसमें मातुरीदिया। इल्मे कलाम में एतकाद का दूसरा बड़ा नाम और मकतब फिक्र वो मातुरीदिया है जिसके बानी इमाम अबू मंसूर मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन महमूद मातुरीदी है। इमाम तुरीदी के मानने वालों में, पीछे चलने वालों में अक्सर अहनाफ की है, यानी इमाम अबू हनीफा के मसलक के पैरोकारों की, जो कि फिकी एतबार से फिका के सबसे बड़े और पहले बानी है, जबकि इमाम अशारी के मुतबीन के अक्सर शवाफे में थी। अभी जो आपने पढ़ा है कि शायरा के ज्यादा पैरोकार इमाम शाफी के स्कूल ऑफ थॉट से थे, और गालबन इसीलिए अहमद बिन अमीन की राय यह है, ये एक ऑथर है जिनका मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि अशाइरा और मातुरीदिया के दरमियान जो मामूली इख्तिलाफ पाया जाता है वो इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा के उसूल का नतीजा है। वो कहते हैं जो उन्होंने उसूल बनाए थे उन्हीं उसूल की बुनियाद पे ये भी बाद में तकसीम हो गए। मातुरीदिया जो है ये अशाइरा के मुकाबले में इन्हें कम शोहरत मिलने की वजह अलामा शिबली नुमानी ने यह बयान की है कि चूंकि अहनाफ ने इल्मे कलाम में बहुत कम तसाव लिखी हैं और शवाफिया ने ज्यादा लिखी थी, इसलिए वो ज्यादा मशहूर हो गए। इमाम अशरी और इमाम मातुरीदी के मुश्तरका मद्द मुकाबल मोतजिला थे, यानी ये दोनों एक तरफ थे और इनके मुकाबले में एक तीसरा ग्रोह मोतजिला था, लिहाजा ये बात बिल्कुल मुनासिब है कि कई मसाइल में दोनों में इख्तिलाफ भी पाया जाता है और अक्सर बुनियादी मसाइल में वो एक दूसरे के हम ख्याल थे या उनके ख्यालात करीब करीब थे। ठीक है, अब इन दोनों के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं यानी जिनमें इनका इख्तिलाफ है वो 40 के करीब हैं। ठीक है, इमाम मातुरीदी ये नकल के साथ साथ अकल पर भी एतमाद करते थे, नकल से मुराद कुरान सुन्नत के दलाइल,
बशर्ते के वो नूरे शरीयत से मुनव्वर हूँ और उनके नजदीक फकत इन्हीं अहकामे अकलिया से इस्तिनाद जायज है जो शरीयत के खिलाफ ना हो। कुरान हकीम की तफसीर करते हुए भी उनका उसूल यही था कि मुतशाबिहात को मुहकमात की तरह लौटाया जाए, यानी जो चीजें मुश्तबे हैं और जो वाजे हैं, मुश्तबे को वाजे की रोशनी में देखा जाए। अलामा शिबली नुमानी ने 9 मसाइल लिखी हैं जिनमें इमाम मातुरीदी और इमाम अशारी का आपस में इख्तिलाफ था। नंबर 1, अशिया का हुस्न व कुबह अकली है, यानी किसी चीज का खूबसूरत होना या बदसूरत होना वो कहता है ये अकली बुनियाद पे है। नंबर 2, खुदा किसी को तकलीफ नहीं देता जो तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। नंबर 3, खुदा जुल्म नहीं करता और उसका जालिम होना अकल के खिलाफ है। नंबर 4, अल्लाह के तमाम अहकाम मसलहत पर मबनी है। नंबर 5, आदमी को अपने अफाल पर कुदरत और इख्तियार हासिल है और ये कुदरत उन अफाल के वजूद में असर रखती है। नंबर 6, ईमान कम और ज्यादा नहीं होता, हमेशा एक जैसा रहता है। नंबर 7, जिंदगी से नाउम्मीदी की हालत में भी तौबा मकबूल है, यानी वो कहते हैं कि जब नजा का आलम हो तो तौबा कबूल हो सकती है, जबकि हमारा अकीदा है कि नहीं हो सकती। नंबर 8, हवासे खमसा से किसी चीज का महसूस करना इल्म नहीं बल्कि जरिया इल्म है। वासे खमसा 5 चीजें हैं ना, सूंघना, बोलना, महसूस करना, ये 5 चीजें हैं, ठीक। नंबर 9, एराज का यादा नहीं हो सकता। अब यह है कि मुतकल्लिमीन जो हैं, इनकी किताबें इल्मे कलाम पर जिन लोगों ने किताबें तारीफ की उनका मुख्तसर जिक्र हम कर देते हैं। इमाम अल हसन अशारी, जो अशायरा के बानी है, जिन्हें इशारे का इमाम कहा जाता है, अपने मकालात अल इस्लामियीन और किताबुल इबानत अन उसूलिद दियाना लिखी। मातुरीदिया के इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद, उसने अपनी उसने किताब किताबुत तौहीद, किताबुल मकालात, बयान वहमुल मोतजिला और तालीफातुल कुरान लिखी। इब्ने हजम की अलफसल फिल मुलल वला हुवा वन नहल इस फन पर मशहूर किताब है। अबुल हसन मोहम्मद बिन अली बसरी ने तस्फीहुल अदिल्ला और गुरूरुल अदिल्ला के नाम से किताबें लिखी। इमाम गजाली ने इल्मे कलाम पर कई किताबें तहरीर की हैं, मसलन तहाफतुल फलासिफा, अत्तफरकहु बैनल इस्लामी व जिंदकी, मिशकातुल अनवार, अलकिस्तासुल मुस्तकीम, अलिक्तिसाद फिल एतिकाद, जवाहिरुल कुरान, अलजामिउल अवाम, मुनकजिमुन जलाला। शरहस्तानी ने इस फन पर तिहाजबतुल अकदाम फी इल्मिल कलाम अल मिनहाज वल बयान अल मुलिल वन नहल तसनीफ की। इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस पर जो किताबें लिखी वो मतालिब आलिया, निहायतुल अकूल, अरबाइन फी उसूलिद्दीन, मबाहिस मशरकिया, अल बयान वल बुरहान, तहजीबुद दलाइल, तहसीलुल हक, किताबुल कज़ाई वल कदर, किताबुल खाकी वल बास। शेख शहाबुद्दीन मकतूल ने हयाकिलुन नूर और हिकमतुल अशराक लिखी। अलामा तफ्ता जानी ने शरह मकासिद और काजी अज़दु सैयद शरीफ ने शरह मवाकिफ और सहाइफ तहरीर की। सैफुद्दीन आमदी ने इस फन पर वकायिकुल हकाइक, रुमूज़ुल कुनूज, इब्ने तैमिया ने अल एतिराज़ातुल मिस्रिया, रद्द नसारी, इस्बातुल मियाद, अर रद्दु अलल मंतक, अल कलामु, अल मुसल। शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देलवी ने हुज्जतुल्लाहुल बालिगा इस मौजू पर किताब लिखी। चलो जी, योर नंबर 6 कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल।
मेरी बुक के मुताबिक पेज नंबर 126 है, आपका शायद 109 होगा। मुख्तसर तारीख इल्मुल कलाम का सब्जेक्ट है, ये हेडिंग है। चलें बुक निकाल लें। अब यहां मैसेज नहीं करना, अब सिर्फ किताब पर ध्यान देना है। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म कलाम उस इल्म को कहते हैं कि जिसके जरिए से इंसान को ये मलका हासिल हो जाता है कि वो दलाइल कायम करके और जो शकूक व शुभात होते हैं उसको खत्म करके जो दीनी हकायक हैं, जो सीक्रेट्स ऑफ दीन है, उसको साबित करे। और इल्म कलाम का जो मौजू है वो अल्लाह ताला की जात और सिफात है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें एक अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया हुआ है। सब कुछ उसी ने पैदा किया है और सब कुछ उसी के इल्म और इजाजत से होता है, और आखिरकार हर चीज का अंजाम भी अल्लाह ही की तरफ है। और इसी ईमान की बुनियाद पर हमने आखिरत में अल्लाह के सामने खड़ा होना है और उसका जवाब देना है। अब इल्मे कलाम क्या चीज है? इल्मे कलाम के हवाले से मुख्तलिफ चीजें हैं कि अल्लाह तबारक व ताला जो हमारे खालिक और माबूद हैं, उसकी हकीकत और मार्फत इंसान के पास नहीं है। यानी अल्लाह कहाँ है, अर्श पर कैसे बैठा हुआ है, उसके हाथ हैं तो कैसे हैं, आंखें हैं तो कैसी हैं, ठीक है ना? ये मार्फत इसलिए कि अल्लाह की जात हमारे अकली इदराक और हमारे मादी इल्मे जराए की हकीकत की रसाई से बहुत बुलंद है। यानी हमारा हमारी अकल और हमारा जो इल्म है, मादी इल्म जिसे हम दुनियावी इल्म कहते हैं, इसके जरिए से अल्लाह तक पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए हमें इस अकीदे का पाबंद किया गया है कि अल्लाह की जात मखलूक की किसी भी जात के मुशाबे नहीं है। जैसे आम इंसानों के हाथ हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि यदुल्लाह अईदीहिम, जो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह के हाथ, तो अल्लाह के हाथ से मुराद भी इसी तरह के हाथ होंगे या इससे मिलते जुलते होंगे। नहीं, अल्लाह इन चीजों से पाक है। अगर हम इस बात को मान लेंगे कि मखलूक के साथ हाथों की मुशाबत या इसी तरह का हाथ हो सकता है, तो फिर उसका नुकसान यह है कि फिर इसका मतलब यह हुआ कि नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला भी मखलूक होगी, फिर खालिक ना रहा, ठीक है ना? फिर इन दोनों में फर्क नहीं रहेगा। इसलिए हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह तबारक व ताला की जात हर किस्म के आयब और नुक्स से पाक है, और तन्हा उसी ने इस कायनात को पैदा किया है, कोई उसका इसमें शरीक नहीं है। देखिए ना, अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया कि अगर दो इलाह होते, एक से ज्यादा होते, दो होते, तीन होते, तो वो तो आपस में लड़ पड़ते, टकराते रहते। ये एक ही अल्लाह है जो अजल से लेके अब तक है, जो खालक भी है, आलिम भी है और कादिर भी है, और सब कुछ उसने एक मंसूबे के तहत एक मुनज्जम अंदाज में बनाया है। जो चीज नहीं थी, अदम थी, यानी अदम का मतलब थी नहीं सिरे से, उसको वजूद में लाने वाली वही जात है।
और ये भी हमारा अकीदा है कि हमारी मौत के बाद अल्लाह ताला हमें उठाएगा और जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है उस मकसद के हवाले से हमसे सवाल किया जाएगा। इसी तरह दूसरा ईमान है ईमान बिर्रुसुल, कि अल्लाह ताला को एक और ये सब कुछ मानने के बाद ये अकीदा कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे अंबिया को मबऊस फरमाया है और अंबिया का काम ये था कि वो जब भी किसी कौम की तरफ आते थे तो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते थे कि लोगों नेकियां करो, अल्लाह की तरफ पलटो, गुनाहों से बचो। और इसी सिलसिले की कड़ी आदम अलैहिस्सलाम से अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला खत्म हो जाता है। लिहाजा ये वो बुनियादी अकायद हैं जो अकली दलायल से मुशीद हैं और इनसे मुतल्लक कुरान और सुन्नत के अंदर बेशुमार दलायल मौजूद हैं और हमारे बुजुर्गों ने इन दलायल को सामने रखते हुए मुतकद्दमीन ने इस पे काम किया और लोगों की रहनुमाई की। फिर आगे चलकर जैसे मैंने कल भी कहा कि सहाबा के दौर में तो जरूरत नहीं थी दीन को समझने की, आहिस्ता आहिस्ता नजरियात में और अकैद की तफसीलात में इख्तिलाफ हो गया। इन इख्तिलाफ की ज्यादा वजह मुश्तबे आयात थी। अब ये इख्तिलाफ लोगों को मुबैसे और मनाजरे तक ले आया और ये बात मनकूलात से आगे निकलकर अकली इस्तेदलाल की तरफ चली गई और इस इल्मे कलाम की बुनियाद यहीं से हो जाती है। यानी इल्मे कलाम का मतलब ये हुआ कि बुनियादी तौर पर वो अकली दलायल के इल्म को इल्मे कलाम कहते हैं। नकली दलायल या मनकूलात से मुराद ये होता है कि जो अहकाम या जो दलायल कुरान और सुन्नत में हैं और वो नकल होते हुए आ रहे हैं, इसलिए उसको नकली दलायल कहा जाता है। मजहबी इतिकादात की ताबीन में अक्ल व मंतक के इस्तेमाल पर शुरू से ही इतराजात रहे हैं। अलबत्ता 10वीं सदी ईस्वी में जब अबुल हसन अल अशरी ने मोतजिला, ये एक फिरके का नाम है, वो मोतजिला के फलसफियाना और अकली मबाइस का जवाब खुद उन्हीं की जुबान में देना चाहा तो उन्हें हदफ तनकीद का निशाना बनाया गया। जो रवायत पसंद हल्के थे उन्होंने दीनियाती मसाइल और कलाम का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा था कि जब इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया तो इन्हें हम मौजू बहस क्यों बनाएं? अगर ये लोगों की रहनुमाई के लिए जरूरी होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर रोशनी डालते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इजहार ख्याल नहीं फरमाया, लिहाजा सुन्नत का नबी सल्लम की अतात का तकाजा ये है कि हम उनके बारे में गुफ्तगू से परहेज करें। असल में लोगों का ख्याल ये था कि दीनी मामलात में अक्ल व फिक्र को इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि इंसान गुमराह हो सकता है और ऐसा होता भी है। कई लोग अकली दलायल ढूंढते ढूंढते जो फलसफी होते हैं वो दीन से भी बागी हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जी वो दीन से बागी हो गया, ठीक है ना। ऐसे कई लोग हैं सेकुलर जिसे हम कहते हैं। अलबत्ता अशरी ने इस के जवाब में अपनी किताब रिसाला फी इस्तेसार लहूजी फी इल्म अल-कलाम में तीन तरह की बहसें की हैं। नंबर एक, रवायत पसंदों के एतराज को खुद उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुख्तलिफ मसाइल पर इजहार ख्याल नहीं फरमाया, आपने उन पर गुफ्तगू को ममनू भी तो नहीं करार दिया। वो कहते हैं कि अगर नबी सल्लम ने इस पर बात नहीं की तो मना भी तो नहीं फरमाया ना, तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि इस पर बात की जा सकती है। अच्छा, नंबर दो, वो कहते हैं कि ये ठीक है कि कलाम के मसाइल अपनी तमाम जुजियात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किबार के दौर में मौजूद न थे, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उसके असासी यानी बुनियादी उसूल खुद कुरान और हदीस में मौजूद हैं। और इस पर उन्होंने कई फिर मिसालें भी पेश की। नंबर तीन, ये मसाइल आप के अहाता इल्म में मौजूद थे, आपको इल्म था, लेकिन आपने उस पर इजहार ख्याल इसलिए नहीं फरमाया कि ये वाकयातन उस दौर में पैदा नहीं हुए थे, इस पर बात करने की जरूरत पेश नहीं आई थी। अगर ये उस दौर में मसाइल पैदा होते उनकी दलील ये है तो अल्लाह के रसूल जरूर इस पर बात करते। इल्म कलाम को
दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। नंबर एक, वो इल्मे कलाम जो खास तौर पर इस्लामी फिरकों के बाहमी सियासी या एतिकादी नज़ा की बदौलत पैदा हुआ, यानी नज़ा का मतलब इख्तिलाफ। नंबर दो, वो इल्मे कलाम जो फलसफे के मुकाबले के लिए ईजाद हुआ। मुतकद्दिमीन यानी जो पहले वाले लोग हैं उनके यहाँ भी यही दो ही अकसाम ज्यादा मारूफ हैं, लेकिन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह मशहूर फलसफी हैं, उन्होंने फलसफा कलाम में इख्तिलाफ तो वह शरायत की बुनियाद डाली। इमाम राजी ने फिर उसे और आगे बढ़ाया, उसमें तरक्की पैदा की, और फिर बाद में आने वाले लोगों ने इस कदर इस बहस को खलत मल्त मिक्स कर दिया कि अल्लामा शिबली नौमानी कहते हैं कि फलसफा कलाम उसूल अकायद सब गड़बड़ होकर एक माजून बन गई, जैसे माजून हकीम बनाते हैं ना। अलामा इब्ने खल्दून इस हवाले से लिखते हैं कि शुरू शुरू में इसे फलसफियाना रंग नहीं दिया गया, क्योंकि एक तो फलसफे का लोगों में बहुत कम रवाज हुआ था, और जितना ज्यादा रवाज हुआ उसे भी मुतकल्लिमीन इसलिए परहेज करते थे कि वो उसे अकायदे शरीयत के खिलाफ समझते थे। फिर मंतकी दलायल से काम लिया जाने लगा और नए नए दलायल पेश किए जाने लगे। यही जदीद तरीका था जो मुताखिरीन का तरीका कहलाया, मुताखिरीन का मतलब बाद में आने वाले स्कॉलर्स, और जिसमें नए कवायद और दलायल लाए गए, अगरचे उसमें भी जगह जगह फलासफा के ख्यालात की तरदीद की गई यानी उन्हें रिजेक्ट किया गया। इहतमाम मुताखिरीन ने इल्म कलाम को इस रंग में ढाल दिया कि कलाम और फलसफा में तमीज करना ही मुश्किल हो गई, यानी इल्म कलाम और फलसफे में, और वो बाहम मिल जुल कर गोया एक ही चीज नजर आने लगी। अब यह है कि इल्म कलाम की नशोनुमा और इर्तका के असबाब, ये इल्म कैसे फिर आगे बढ़ा। अहमद अमीन जहुल इस्लाम में लिखते हैं कि इल्म कलाम की नशोनुमा और इर्तका के असबाब में कुछ दाखिली थे और कुछ खारजी असबाब थे जो खुद इस्लाम और मुसलमानों की तबीयत का तकाजा थे। मसलन नंबर एक, कुरान हकीम का ये उसलूब कि उसने ना सिर्फ ये के तौहीद और नबूवत की दावत दी बल्कि अहम अदियान आलम और अकवाम के अकायद व नजरियात से बहस भी की और उनके गलत अकायद का रद्द किया। नंबर दो, फतुहात से फरागत के बाद मुसलमान दीनी बहस व मुबासा की तरफ मुतवज्जे होने लगे, फलसफे की तरफ भी मिलान हुआ यानी रुख हुआ, और दीनी जहू इख्तिलाफ जहूर में आया यानी दीनी इख्तिलाफ जाहिर हुआ। नंबर तीन, खारजी असबाब अजनबी सकाफतों और गैर इस्लामी अकैद व नजरियात की बदौलत पैदा हुए, उनमें से अहम सबब यह था कि मुख्तलिफ अदियान के मानने वालों का रद्द फलसफियाना नुक्ता नजर दलाइल के साथ किया जाएगा। असल बात यह है कि इस्लाम जब तक तो अरब के अंदर रहा तो अकैद के बारे में कुछ ज्यादा बारीकियां, कोई शक व शुबा, छान बेन और इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह थी कि अरबों का ये मिजाज ही नहीं था कि वो नए नए चीजें आइडिया सामने लाएं, बल्कि बस वो अमल करते थे जो चीज आ गई, बस मसलन अमली तौर पर नमाज, रोजा, जक़ात, हज, बस जो आ गया बस उन्होंने उस पर अमल करना है। ये बाद में जब इस्लाम इधर उधर फैला और मुख्तलिफ मुल्कों में वहां पे कुछ फलसफी और इल्म कलाम वाले उन्होंने इस पर बहस की। अब यह था कि उसूल दीन में इख्तलाफ के असबाब फिर क्या थे। अलामा शहरस्तानी ने इख्तिलाफ के मुख्तलिफ असबाब बताए हैं, अलबत्ता इस्लामी फिरकों के मबैन चार चीजें थी। नंबर एक, सिफात इलाही का साबित करना। नंबर दो, जबर व कदर की हकीकत। नंबर तीन, अकैद व अमाल की हैसियत क्या है। नंबर चार, अकल और नकल का इख्तिलाफ। अब पहला इख्तिलाफ सिफात इलाही वाला, पहला इख्तलाफ इस तरह पैदा हुआ कि खुदा के मुतल्लक कुरान मजीद में जो अल्फाज इस किस्म के मजकूर हैं जो जिस्मानियात के लिए मखसूस हैं, मसलन अल्लाह के अर्श पर मुतमक्किन होना, बैठना, क्यामत के दिन फरिश्तों के झुमट में आना वगैरह, इसके हकीकी माना लिए जाएं या मजाजी, यानी एक हकीकी माना होता है, एक उसका मजाजी माना होता है। इस सवाल ने दो मुख्तलिफ फिरके पैदा कर दिए। पहली चीज के मानने वाले वो अशारिया हैं, वो कहते हैं कि वो फिर आगे बड़े मुजस्मा से मुश्तबा तक आ गए जो खुदा के हाथ पांव तक मानते हैं, और दूसरे मोतजिला हैं, दूसरा अकीदा जो इन सिफात के मुनकरीन है, वो सिरे से इसको मानते ही नहीं है। नंबर दो, दूसरा इख्तलाफ ये था कि इंसान के अफाल, इंसान जो काम करता है
अगर ज्यादा गौर से देखा जाए तो मालूम होता है कि एक चीज भी हमारे बस में नहीं है, यहाँ तक कि हमारा इरादा और ख्वाहिश भी इख्तियार में नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम अपने अफाल में मजबूर हैं, यानी इंसान जो भी करता है, अच्छा करता है बुरा करता है, वो उसकी किस्मत में लिख दिया गया है। वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ने इंसान की किस्मत में पहले से ही लिख दिया है कि इसने नेकी करनी है, इसने ये गुनाह करना है, तो फिर इसका मतलब है कि इंसान तो अमल करने पर मजबूर है कि उसने वो नेकी करनी ही करनी है, गुनाह करना ही करना है, ठीक है ना। ये तीसरा इख्तिलाफ इस वजह से था, वो कहते थे कि ईमान की हकीकत में ईमान भी दाखिल, अमाल भी दाखिल हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर हदीसों में हया वगैरह की निस्बत ये अल्फाज हैं कि अन्नहु मिनल ईमान। इसलिए मुहद्दिसीन ने समझा कि ईमान की हकीकत में अमाल में दाखिल है, लेकिन अहले नजर ने, जिनमें इमाम अबू हनीफा सबसे आगे थे, उससे इख्तिलाफ किया और एतिकाद और अमल में फर्क रखा। चौथा इख्तिलाफ, चौथा इख्तिलाफ दर हकीकत एक ऐसा इख्तिलाफ है जो हकीकी इख्तिलाफ कहा जा सकता है, और जहां अरबाबे जाहिर और अहले नजर की हदें बिल्कुल अलग अलग हैं। अब इस बिना पे जो इख्तिलाफ हुआ अशारिया में और मोतजिला में, वो ये है। अशरिया कहते हैं कि कोई शय फी नफ्स ही, यानी अपनी जात के एतबार से अच्छी या बुरी नहीं है। शारे जिस चीज को अच्छी कह देता है यानी अल्लाह, वो अच्छी हो जाती है, जिसको वो बुरा कह देता है बुरी हो जाती है। नंबर दो, खुदा महालात का हुक्म देता है और दे सकता है। नंबर तीन, अल्लाह को अदल और इंसाफ करना जरूरी नहीं है। नंबर चार, अल्लाह इबादत के बदले में अजाब दे सकता है और गुनाह के बदले में इनाम, अगर वो ऐसा करेगा तो ना इंसाफी नहीं है, ये उसका इख्तियार है, वो कहते हैं। मोतजिला क्या कहते हैं? मोतजिला कहते हैं कि हर शय पहले से अच्छी या बुरी है, शारे उस चीज को अच्छी कहता है जो फी नफ्स ही अच्छी थी, और उसी चीज को बुरी कहता है जो पहले से बुरी थी, यानी वो उलट कहते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि खुदा किसी महाल चीज का हुक्म नहीं दे सकता, महाल से मुराद मुश्किल काम का। नंबर तीन, वो कहते हैं कि खुदा, वो जो कहते थे ना नशरिया, इंसाफ करना अल्लाह के लिए जरूरी नहीं है, ये कहते हैं जरूरी है। चौथा, वो कहते थे कि अल्लाह इबादत के बदले अजाब दे सकता है और गुनाह के बदले जन्नत दे सकता है, तो ये मोतजिला कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो जुल्म और नाइंसाफी है। जो अच्छा काम करेगा उसे अच्छा बदला मिलेगा, जो बुरा काम करेगा उसे बुरा बदला मिलेगा। आम तौर पर यह बात मशहूर है कि मुतकल्लिमीन सब के सब अकल की फौकियत के कायल थे, यानी वो कहते थे अकल सबसे पहले है, ये सही नहीं है, ठीक है। बाज जरूर ऐसे थे, मसलन मोतजिला के बाज ग्रोह, लेकिन फिर जुमला उलमाए कलाम कुरान और सुन्नत को अव्वल हैसियत देकर कायद का साबित होना अकली दलीलों से करते थे। कलाम के ये जो मसले हैं ना, ये तो सियासी इख्तिलाफ से पैदा हुए और कुछ कुरान मजीद की आयात, यानी जो मुश्तबे आयात हैं जिनमें पढ़कर इंसान को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, फिर ऐसा ऐसा ही आगे बढ़ता गया। अब यह है कि इल्मे कलाम के अहम मसालिक कौन से हैं, जैसे हमने फिकह के मसालिक पढ़े, उनमें नंबर एक अशाइरा, ये मकतबा फिकर जिसे अशाइरिया हम कहते हैं, इसके बानी हैं अबुल हसन अली बिन इस्माइल अल अशारी, और 34वीं सदी हिजरी से लेकर अब तक इल्मुल कलाम का सबसे बड़ा और मशहूर तरीन जो स्कूल ऑफ थॉट है वो यही अशाइरा का है। अशाइरा भी कहते हैं और अशाइरिया भी कहते हैं। अच्छा, इस मकतबे फिक्र के बानी इमाम अशरी ये बहुत बड़े मुसन्निफ थे। बाद रिवायात के मुताबिक इनकी किताबें जो इन्होंने लिखी हैं वो सैकड़ों तक हैं, और ज्यादा मशहूर हुई इसलिए इनके पैरोकार भी ज्यादा हो गए। शवाफे में, यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के स्कूल ऑफ थॉट में से जो मशहूर तरीन अशारी उलमा है वो ये हैं: अबू सहल अस्सालूकी, अबू बकर कफाल, अबू जैद मरवजी, जाहिर बिन अहमद हाफिज, अबू बकर जरहानी, शेख अबू मोहम्मद तबरी, अबू अबैदुल्ला ताई, अल हसन बाहली, बिन दार बिन हसन सूफी। ये लोग खुद तो मशहूर नहीं थे,
लेकिन इनके शागिर्द मसलन अबू बकर बाखिलानी, अबू सिहाक सफरानी, अबू बकर बिन फौक फौरक और फिर इनके शागिर्द इमामुल हरमैन वगैरह इनसे भी ज्यादा मशहूर हो गए। अगरचे इब्तिदा में इमाम गजाली ने भी अशअरी मकतब फिक्र की हमायत की, लेकिन बाद में वो किसी खास मकतब के मुकल्लिद ना रहे बल्कि इनसे फिर अलग हो गए और उन्होंने कहा कि ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं है हमारा और उनके दरमियान। अच्छा, इल्मे कलाम में एक तरफ मोतजिला का ग्रोह है जो दूसरी तरफ हशूरिया मुजस्मा मुशब्बा जैसी सिफात के हवाले से अल्लाह ताला की इस बात की नफी करते हैं और उनको इंसानों के ममासल करार देते हैं। अब ये जो अशाइरा है इनके अकायद क्या हैं? इमाम गजाली ने अहयाल उलूम में, ये उनकी मशहूर किताब है, अशारा के जिन अकायद का जिक्र किया है वो दर्ज जैल है। अशाइरा जिनका भी आपने स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा है जिनके बारे में, वो कहते हैं कि अशाइरा कहते हैं कि अल्लाह ताला की जात के बारे में उनका अकीदा यह है कि खुदा मौजूद है, एक है, कदीम है, जौहर नहीं है, जिसम नहीं है, अर्ज नहीं है, किसी जहत के साथ मखसूस नहीं है, किसी मकान में नहीं है, वो नजर आ सकता है, हमेशा रहेगा, यानी कदीम है से मुराद हमेशा से है, जिसम नहीं है यानी इंसानों की तरह उसका जिसम नहीं है, अर्ज नहीं है यानी उसकी चौड़ाई नहीं है, किसी तरफ उसका चेहरा किस तरफ है ये कोई मखसूस नहीं है, किस जगह पर है ये भी नहीं है, वो नजर आ सकता है और हमेशा रहेगा। नंबर दो, वो कहते हैं कि अल्लाह की सिफात यह है कि वो जिंदा है, आलिम है, कादिर है, साहिब इरादा है, सुनता है, देखता है, बोलता है, हवादिस का महल नहीं, यानी ये नहीं है कि हादसात के नतीजे में अल्लाह ही खत्म हो गया, और उसका कलाम भी बड़ा कदीम है। अफाल इलाही के बारे में वो कहते हैं कि बंदों के अफाल का खालिक खुदा है, बंदे अपने अफाल के मुक्तसिब हैं, खुदा ने उन अफाल का होना चाहा, खुदा ने जो खल्क को इख्तिरा किया यह उसका एहसान है, खुदा को जायज है कि तकलीफ माला युताक दे, खुदा को जायज है कि वो बेगुनाह को अजाब दे, खुदा पर मसलहत की पाबंदी नहीं, वाजिब वही जुज है और शरह की रिवायत से है। समयात सुनी हुई चीजों के बारे में उनका उसूल यह है कि कयामत, मुनकर नकीर, कब्र का अजाब, मिजान, पुल सिरात, बिशत, दोजख का वजूद, अहकाम इमामत, साबा की फजीलत, बतरतीब खिलाफत, इमाम की शरायत, इमाम मशरूत मौजूद ना हो तो सुल्तान वक्त के अहकाम, रोते बारी ताला का मोतजिला ने इनकार किया है और पुरानी आयात की तावील की, जबकि मुशब्बा ने कहा कि अल्लाह को महदूद मुकैफ हालत में देखा जा सकेगा। अब दूसरा बड़ा अकीदा है इसमें मातुरीदिया। इल्मे कलाम में एतकाद का दूसरा बड़ा नाम और मकतब फिक्र वो मातुरीदिया है जिसके बानी इमाम अबू मंसूर मोहम्मद बिन महमूद मातुरीदी है। इमाम तुरीदी के मानने वालों में, पीछे चलने वालों में अक्सर अहनाफ की है, यानी इमाम अबू हनीफा के मसलक के पैरोकारों की, जो कि फिकी एतबार से फिका के सबसे बड़े और पहले बानी है, जबकि इमाम अशारी के मुतबीन के अक्सर शवाफे में थी। अभी जो आपने पढ़ा है कि शायरा के ज्यादा पैरोकार इमाम शाफी के स्कूल ऑफ थॉट से थे, और गालबन इसीलिए अहमद बिन अमीन की राय यह है, ये एक ऑथर है जिनका मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि अशाइरा और मातुरीदिया के दरमियान जो मामूली इख्तिलाफ पाया जाता है वो इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा के उसूल का नतीजा है। वो कहते हैं जो उन्होंने उसूल बनाए थे उन्हीं उसूल की बुनियाद पे ये भी बाद में तकसीम हो गए। मातुरीदिया जो है ये अशाइरा के मुकाबले में इन्हें कम शोहरत मिलने की वजह अलामा शिबली नुमानी ने यह बयान की है कि चूंकि अहनाफ ने इल्मे कलाम में बहुत कम तसाव लिखी हैं और शवाफिया ने ज्यादा लिखी थी, इसलिए वो ज्यादा मशहूर हो गए। इमाम अशरी और इमाम मातुरीदी के मुश्तरका मद्दे मुकाबिल मोतजिला थे, यानी ये दोनों एक तरफ थे और इनके मुकाबले में तीसरा ग्रोह मोतजिला था, लिहाजा ये बात बिल्कुल मुनासिब है कि कई मसाइल में दोनों में इख्तिलाफ भी पाया जाता है और अक्सर बुनियादी मसाइल में वो एक दूसरे के हम ख्याल थे या उनके ख्यालात करीब करीब थे। ठीक है, अब इन दोनों के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं यानी जिनमें इनका इख्तिलाफ है वो 40 के करीब हैं। ठीक है, इमाम मातुरीदी ये नकल के साथ साथ अकल पर भी एतमाद करते थे, नकल से मुराद कुरान सुन्नत के दलाइल।
बशर्ते के वो नूरे शरीयत से मुनव्वर हूं और उनके नजदीक फकत इन्हीं अहकाम अकलिया से इस्तिनाद जायज है जो शरीयत के खिलाफ ना हो। कुरान हकीम की तफसीर करते हुए भी उनका उसूल यही था कि मुतशाबिहात को मुहकमात की तरह लौटाया जाए, यानी जो चीजें मुश्तबे हैं और जो वाजे हैं, मुश्तबे को वाजे की रोशनी में देखा जाए। अलामा शिबली नुमानी ने 9 मसाइल लिखी हैं जिनमें इमाम मातुरीदी और इमाम अशारी का आपस में इख्तिलाफ था। नंबर 1, अशिया का हुस्न कबो अकली है, यानी किसी चीज का खूबसूरत होना या बदसूरत होना वो कहता है ये अकली बुनियाद पे है। नंबर 2, खुदा किसी को तकलीफ नहीं देता जो तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। नंबर 3, खुदा जुल्म नहीं करता और उसका जालिम होना अकल के खिलाफ है। नंबर 4, अल्लाह के तमाम अहकाम मसलहत पर मबनी है। नंबर 5, आदमी को अपने अफाल पर कुदरत और इख्तियार हासिल है और ये कुदरत उन अफाल के वजूद में असर रखती है। नंबर 6, ईमान कम और ज्यादा नहीं होता, हमेशा एक जैसा रहता है। नंबर 7, जिंदगी से ना उम्मीदी की हालत में भी तौबा मकबूल है, यानी वो कहते हैं कि जब नजा का आलम हो तो तौबा कबूल हो सकती है, जबकि हमारा अकीदा है कि नहीं हो सकती। नंबर 8, हवासे खमसा से किसी चीज का महसूस करना इल्म नहीं बल्कि जरिया इल्म है। हवासे खमसा 5 चीजें हैं ना, सूंघना, बोलना, महसूस करना, ये 5 चीजें हैं, ठीक। नंबर 9, एराज का यादा नहीं हो सकता। अब यह कि मुतकल्लिमीन जो हैं, इनकी किताबें इल्मे कलाम कलाम पर जिन लोगों ने किताबें तहरीर की उनका मुख्तसर जिक्र हम कर देते हैं। इमाम अल हसन अशारी जो अशायरा के बानी है, जिन्हें इशारे का इमाम कहा जाता है, अपने मकालात अल इस्लामियीन और किताबुल इबानता नुसूल दियाना लिखी। मातुरीदिया के इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद उसने किताब किताबुल तौहीद, किताबुल मकालात, बयान वहमुल मोतजिला और तालीफातुल कुरान लिखी। इब्ने हजम की अलफसल फिल मुलल वला हुवा वन्नहल इस फन पर मशहूर किताब है। अबुल हसन मोहम्मद बिन अली बसरी ने तस्फीहुल अदिल्ला और गुरूर अदिल्ला के नाम से किताबें लिखी। इमाम गजाली ने इल्मे कलाम कलाम पर कई किताबें तहरीर की हैं, मसलन तहाफतुल फलासिफा, अत्तफरकहु बैनल इस्लामी व जिंदकी, मिशकातुल अनवार, अलकिस्तासुल मुस्तकीम, अलिक्तिसाद फिल एतिकाद, जवाहिरुल कुरान, अलजामिउल अवाम, मुनकजिमुन जलाला। शरहस्तानी ने इस फन पर तिहाजबतुल अकदाम फी इल्म अल कलाम अल मिनहाज वल बयान अल मुलिल वन नहल तसनीफ की। इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस पर जो किताबें लिखी है वो मतालिब आलिया, निहायतुल अकूल, अरबाइन फी उसूल दीन, मबाहिस मशरकिया, अल बयान वल बुरहान, तहजीब उद दलाइल, तहसीलुल हक, किताबुल कदा वल कदर, किताबुल खाक वल बहस। शेख शहाबुद्दीन मकतूल ने हयाकिलुन नूर और हिकमतुल अशराक लिखी। अलामा तफ्ता जानी ने शरह मकासिद और काजी अजदु सैयद शरीफ ने शरह मवाकिफ और सहाइफ तहरीर की। सैफुद्दीन आमदी ने इस फन पर वकायिकु हकाइक, रुमूजुल कुनूस, इब्ने तैमिया ने अल एतिराजातुल मिस्रिया, रद्द नसारी, इस्बातुल मियाद, अर रद्दु अलल मंतक, अल कलामु, अल मौसल। शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी ने हुज्जतुल्लाहुल बालिगा इस मौजू पर किताब लिखी। चला जी, योर ट्रावर 6 कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल।